फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पिता। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लौकी के पराठे की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। जो लोग लौकी नहीं भी खाते हैं वो भी इस पराठे को बहुत पसंद करने वाले हैं, तो प्लीज़ ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लौकी के पराठे बनाना। तो लौकी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये गैस पर कढ़ाई गर्म होने रख दी है, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये बेसन। इस बेसन को हमें ड्राई रोस्ट करना है। बेसन को ब्राउन होने तक रोस्ट करते रहेंगे, मीन्स इसका कलर एकदम चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू इसमें से आने लगे, तब तक हम इसे ऐसे ही चलाते हुए रोस्ट करेंगे। ये देखिए, बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है, अभी इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है। तो अभी मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। बेसन को कढ़ाई से निकाल लिया है और अभी मैंने वापस कढ़ाई गर्म होने रख दी है, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 चम्मच देसी घी। घी गर्म हो चुका है अभी। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कटा हुआ अनियन, और इसको अच्छे से भून लेंगे। और अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ जिंजर, यानी कि अदरक। ये मैंने बहुत बारीक बारीक कस लिया था, और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज अभी भुन चुके हैं, अभी मैं इसमें डाल दूंगी ये ग्रेट की हुई लौकी। ये लौकी को मैंने कद्दूकस करके इसको स्क्वीज कर लिया था अच्छे से, मीन्स इसका पानी निचोड़ दिया था, और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। लौकी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है, इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भूनना है। अभी 2 से 3 मिनट हो चुका है, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो बेसन हमने रोस्ट करके रखा था। देखिए, बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बेसन इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, यानी कि नमक। नमक इसमें लास्ट में ही डालना है, पहले से ना डालें। और अभी हम इसमें डाल देंगे ये गरम मसाला, और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अभी सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे, और जब तक वो स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम आटा लगाकर रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है ये गेहूं का आटा, और अभी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी अजवाइन। तो ये अजवाइन को मैं हाथ से क्रश करके डालूंगी, जिससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी ये कसूरी मेथी, इसको भी मैं हाथ से क्रश करके डालूंगी। और अभी बस इसमें लास्ट में हम डाल देंगे नमक, और बस अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी करेंगे। जैसे हम आलू के पराठे बनाने के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरह से हमें इसका आटा लगाकर रेडी करना है। ये देखिए, सॉफ्ट आटा लगकर रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल आधा चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, बस इसको थोड़ा चिकना करने के लिए। और अभी इसे अच्छे से एक बार और अच्छे से गूंद लेंगे। आटा एकदम रेडी हो चुका है अभी, और इधर ये स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो इसमें मैं लास्ट में ऐड करूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने आटे से थोड़ा सा पेड़ा साइज ले लिया है, और अभी मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़ा सा सूखा आटा, और बस अभी इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे। ये देखिए, बस मैंने ये थोड़ा सा बेल लिया है इसको, और अभी हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग इसमें बहुत ज़्यादा सी अच्छे से भरें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं। स्टफिंग भरने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच खूब अच्छे से भर कर इसमें डाला है, और अभी इसे पैक कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से पैक कर देंगे, और ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको निकाल देंगे, जिससे स्टफिंग खूब ज़्यादा सी इसमें रहे। आटा बहुत ज़्यादा नहीं, स्टफिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बस अभी वापस से सूखा आटा लगाएंगे और पराठा बेलकर तैयार करेंगे। ये देखिए, पराठा बेलकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत पतला नहीं बेलना है इसको, मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है। और अभी मैंने ये गैस पर तवा गर्म होने रख दिया है, तवा गर्म हो चुका है, और मैंने ये पराठा उसके ऊपर डाल दिया है। अभी पराठे को हम दूसरी साइड पलटेंगे, और इस साइड पर हम घी लगा देंगे।
अभी वापस से परांठे को पलट देंगे। ये देखिए मैंने वापस पलट दिया है और दूसरी साइड भी इसके घी लगा देंगे। ये देखिए परांठा कितना अच्छा फूल रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पराठा एकदम सीख चुका है, अभी मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ये पराठे को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और पराठे के मैंने ये 4 पीसेस करे हैं। आप जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं पराठे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये पराठे खाने के बाद आप कचौड़ी खाना भी भूल जाएंगे। ये पराठे बहुत ही डिलीशियस हैं।